दोस्तों, ये जो आप डिवाइस देख रहे हैं ये LCD टीवी ट्यूनर है। इसे किसी भी कंप्यूटर की मॉनिटर पे अटैच करके आप टीवी की तरह उसको चला सकते हैं। यानी कि कोई भी आपके पास ऐसा कंप्यूटर पड़ा है जिसे आप यूज नहीं करते हैं तो उसमें इस डिवाइस को लगाकर उसे आप एक LCD LED टीवी या फिर CRT टीवी की तरह चला सकते हैं। बस मॉनिटर आपका जैसा रहेगा उसके हिसाब से वो वर्क करेगा। बस इसका काम होता है उसको टीवी बनाने का। किसको? मॉनिटर को। मॉनिटर को टीवी बनाने का काम बस इसी का होता है। उसके लिए आपको CPU की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से जो आपका कनेक्शंस हैं ये आपको अच्छी तरीके से करने होते हैं। और आपके पास एक सेटअप बॉक्स या फिर कोई भी एयरटेल हो, किसी भी कंपनी का हो, वो होना ज़रूरी है जिससे आप वीडियो सिग्नल इसको दे सकें और ये आपका मॉनिटर यानी कि स्क्रीन पर दिखा सकेगा उस चीज़ को। और काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे भाई मॉनिटर पे स्पीकर नहीं होता, तो घबराने की कोई बात नहीं दोस्तों, इसके अंदर स्पीकर होता है। ऑडियो जो आपका आउटपुट होगा इसके अंदर के स्पीकर से हो जाता है। और अगर आप इसका ऑडियो बहुत बेकार आपको लगता है तो आप अलग से एक ऑडियो के लिए होम थिएटर वगैरह से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, वीडियो बनाने का इसका कोई मेरा मकसद नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आई, इस पर्पज़ से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। कुछ दिनों पहले एक सेटअप बॉक्स की रिपेयरिंग कर रहा था, उस वक्त जब मैं सेटअप बॉक्स को ट्रायल के लिए ले रहा था और इसका प्रयोग करके जब मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर उसको चेक करवा रहा था तो ये ख़राब हो गया था। दरअसल इसकी रिपेयरिंग की वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी, लेकिन यहाँ पर इसको अटैच करने का तरीका ज़रूर बताऊँगा। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे तो उसी हिसाब से मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहले इसके लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है वो बता देता हूँ। आपके पास एक VGA केबल होना ज़रूरी है, यानी कि ऐसी केबल। वैसे तो कंप्यूटर से CPU को अटैच करने के लिए इसी केबल का यूज किया जाता है, तो आपके पास ये कंप्यूटर जो CPU वाली होगी उसे आप रख लीजिएगा। अब देखिए, आपने करना क्या है, इस VGA केबल को इस जगह पर कनेक्ट करना होता है, यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर कनेक्ट करना होता है। और आप स्क्रू वगैरह जो कसना चाहें कर सकते हैं। अब VGA केबल का दूसरा छोर आपने कहाँ पे कनेक्ट करना होता है वो आपको बता देता हूँ। इस VGA केबल का दूसरा सिरा जो है मेरा इस मॉनिटर से अटैच्ड है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, बिल्कुल जस्ट जैसा यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है वैसा ही है। बस इसका दूसरा सिरा जो CPU में लगा रहता है उसको मैंने TV ट्यूनर पर डाल दिया है। और यहाँ पर आपको पता ही है ये पावर का कॉर्ड लगा रहता है, इसे निकाल के आप यहाँ पर इस जगह पे अटैच कर लेंगे, ठीक है, ऐसे करके अटैच कर लेंगे। अब आपका UPS और CPU किसी काम का नहीं, इसको रख लीजिए साइड पे। ये तो हो गया इसके कनेक्शन की बात। अब दूसरी बात है यहाँ पर सेटअप बॉक्स को कैसे जोड़ें और इसमें पावर कैसे दें। पावर देने के लिए एक 5 वोल्ट का चार्जर इसमें मिलता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। इस चार्जर को रखता हूँ यहाँ पर और इस जगह पे पावर देने के लिए इसको यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। DC 5 वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इसको हम कनेक्ट कर लेंगे और इस चार्जर को हम पावर दे देते हैं। अभी इसको ऑन नहीं करना है, अभी हमने सेटअप बॉक्स भी इसके साथ जोड़ना है। तो क्या करना है, हमने यहाँ पर इस टाइप से RC केबल लेनी है। अब अगर आपके पास 3 पिन वाली है वो भी अच्छी बात है, 2 पिन वाली वो भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर एक हम वीडियो में यूज कर लेंगे, एक हम ऑडियो पे यूज कर लेंगे। अब इस जगह पे देखिए, इस जगह पे वीडियो और ऑडियो के दिए रहते हैं इसके पोर्ट। अब देखिए, वीडियो का तो हमने वाइट वाला इस पर लगा लिया है, हम अभी हमारे पास 2 ही हैं। तो ऑडियो के लिए लेफ्ट राइट है, तो सिर्फ अभी हम लेफ्ट को ही राइट को ही यूज करेंगे, ठीक है, राइट को ही यूज मैं ले लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। अब ये जो आपका यहाँ पर लग चुका है, इसका जो दूसरा छोर है ये आपका जाएगा सेटअप बॉक्स में। सेटअप बॉक्स आपके पास कोई सा भी हो, आपके पास एयरटेल हो, टाटा स्काई हो, कोई सा भी हो, उसके पीछे और ये ऑडियो और वीडियो के पोर्ट दिए रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर वीडियो में मैंने वहाँ पर वाइट वाला यूज करा है और ऑडियो के लिए रेड वाला यूज करा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सेटअप बॉक्स को हमने ऑन कर लेना है, सेटअप बॉक्स को ऑन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, सेटअप बॉक्स हमारा ऑन हो चुका है, जैसे कि आप इसकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1 मिनट, यहाँ पर पावर का बटन दबा देता हूँ और ये हमारा ऑन हो चुका है। वेट करते हैं, हाँ देखिए ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर इसको भी ऑन कर लेना है, ये ऑन हो चुका है, वेट कीजिए। यहाँ पर आपको एक हरी बत्ती, हाँ देखिए ऑन हो चुका है। जब मैं इसके पावर बटन को दबाता हूँ तो सामने आप जो मॉनिटर लगा हुआ देख रहे हैं, जो कि जस्ट आपके सामने है, देखिए मैं जैसे पावर बटन को ऑन करूँगा वहाँ पर हमारा वो सिग्नल चले जाएगा। देखिए, वेट कीजिए, वहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने इसको ऑन करा तो वहाँ पर वो सिग्नल चलेगा। आप नो सिग्नल बता रहा है, भाई नो सिग्नल वो सेटअप बॉक्स का है। अगर मैं सेटअप बॉक्स पे यहाँ पर LNB जोड़ूँगा तो वहाँ पर
वहाँ पर हमारा चित्र वगैरह आने लगा। चलिए मैं जोड़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेटअप बॉक्स में मैंने इसको जोड़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वहाँ पर देख सकते हैं अभी वीक सिग्नल चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी मेरे को लग रहा है कि इसमें मैंने स्कैन वगैरह भी करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर चैनल को मैं थोड़ा सा एक बार रिमोट के, हाँ देखिए अभी देख सकते हैं आप, अभी वीक सिग्नल आ रहा है तो इस वजह से वहाँ पर इस टाइप से बता रहा। मैं सेटअप बॉक्स को फिर से ऑन ऑफ कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं वहाँ पर सेटअप बॉक्स का लोगो आपको दिखाई देगा। वेट कीजिए, देखिए सेटअप बॉक्स को वहाँ पर लोगो आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से कनेक्ट हो चुका है। डीडी वहाँ पर नेशनल चल रहा है, लेकिन वीक सिग्नल है। इसको तो मैं बाद में कर लूँगा, फिलहाल यहाँ पर आपको सिर्फ कनेक्ट करना मैंने सिखाया था। अब यहाँ पर इससे ये होगा, आप अपने घर पे पड़े किसी भी ख़राब मॉनिटर को यूज़ में लेके आ, ख़राब मॉनिटर नहीं, रखे पड़े मॉनिटर को यूज़ में लेके आ सकते हैं, एक एलईडी टीवी की तरह, ठीक है। इसे कभी कभी आप आपके घर में एक्स्ट्रा टीवी की जरूरत हो और कंप्यूटर आपके पास सेट पड़ा हो तो इसे आप चला सकते हैं। अब इसका जो वर्किंग प्रोसेस रहता है, देखिए आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसका ये वायर हटा देता हूँ, अब आपको समझा देता हूँ। इसमें होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये जो आपका इसमें हमने आरसी केबल लगाया है, इसका सिग्नल यहाँ तक जाता है और इसको ये सिग्नल पूरा इसका बना के एम्पलीफाई करके ये मॉनिटर को देता है। बस इतना सा इसका काम रहता है। मॉनिटर को आपने पावर सोर्स दे देना है, वो मॉनिटर चालू हो गया और मॉनिटर को सिग्नल देने के लिए यहाँ पर इसके साथ अटैच हो जाता है। ये इसको सिग्नल देता है और ये मॉनिटर को सिग्नल देता है। और ज़रूरी नहीं आपके पास एलसीडी या फिर एलईडी मॉनिटर हो, पुराने मॉनिटर जो आपके पास मोटे मोटे वाले सीआरटी वाले मॉनिटर होते ना, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। उसमें भी इसी टाइप का वीजीए केबल लगता है, पर इसमें भी कुछ सेटिंग्स होती है। आपके पास इसका रिमोट पड़ा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इन बटन से भी इसका सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन इसको बार बार पावर ऑन करना पड़ता है, इसमें यही दिक्कत होती है। अब जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो कंप्यूटर होता है उसमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कुछ ऑप्शन होते हैं, यहाँ से आ जाते हैं कलर सेटिंग, पिक्चर सेटिंग यहाँ से हो जाता है। लेकिन इस बॉक्स को आपने इसमें अटैच किया है तो वॉल्यूम भी आप यहीं से बढ़ा सकते हैं। इसमें वॉल्यूम का बटन रहता है, जैसे कि आप वहाँ पर देख सकते हैं वो नीचे वॉल्यूम बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ से आप इसका जो मेन्यू में जाते हैं, देखिए मेन्यू में चले जाके पिक्चर सेटिंग कर सकते हैं, इसका सेटअप पूरा इसमें कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरा यहाँ पर इसमें आप सेटिंग इसका कर सकते हैं और यहाँ से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ए वी टी वी करने के लिए आप देखिए, काफ़ी बार इसमें भी आपको दिक्कत आ सकती है। ए वी टी वी करने के लिए इस वीडियो वाले आपने बटन को प्रेस करना है, तब जाके वहाँ पर देखिए ए वी टी वी आएगा। आप स्क्रीन पर देखिए, पहली बार थोड़ा सा आपको इसमें दिक्कत हो सकती है सेटिंग करने में। इस वीडियो को मैं इसको दबाता हूँ तो वहाँ पर देखिए नॉर्मल स्क्रीन आ चुकी है। अब इसको दबाऊंगा तब जाके ए वी टी वी होगा, देख सकते हैं आप। वेट कीजिए, नहीं एक बार और प्रेस करना होगा वीडियो को, एक बार और हमने प्रेस करना होगा। तो देखिए अब जाके वहाँ पर ए वी मोड आ चुका है। तो इस तरीके से इसको करना होता है। काफ़ी सारे लोग पहली बार यहाँ पर दिक्कत उनको लग सकता है, लेकिन आपके पास अगर मॉनिटर है तो इसका यूज एक बार ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसका प्राइस मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने इसको परचेज़ किया था उस वक्त का इसका प्राइस था 1200-1300 के समथिंग। आज पता नहीं इसका प्राइस क्या है, फिर भी अगर मेरे को ऑनलाइन इसका कोई ऐसा लिंक मिलता है तो उसमें डिस्क्रिप्शन में देने का पूरा कोशिश करूँगा, आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।